और मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या था? कि नॉर्मलता जो होता है वो मोलरता गुने एन फैक्टर के बराबर होता है, यही पढ़े थे। यानी एन इज इक्वल टू एम इंटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, ये हम लोग पढ़े थे। आज का जो लेक्चर है उस पर हम लोगों को करना है इस पर सवाल। तो सबसे पहले देखो, सवाल करने के लिए आपको एन फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो आप बेसिक लेक्चर पढ़ोगे सॉल्यूशन में, तीन वीडियोस आपका बेसिक का है, उसमें एन फैक्टर निकालने के लिए हमने बता रखा है, लेकिन फिर भी हम आज आपको एन फैक्टर बता देते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि एन फैक्टर ज्ञात करने के नियम, ठीक है, ज्ञात करने के नियम। तो एन फैक्टर ज्ञात करने के कौन कौन से नियम है, कौन कौन से प्रोसेस है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो पहला है एसिड के लिए, अगर मान लो कोई एसिड दे दिया तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होता है? तो उसके लिए एन फैक्टर होता है कि एन फैक्टर इज इक्वल टू अम्ल में उपस्थित, अम्ल में उपस्थित विस्थापन योग्य H प्लस की संख्या। यानी कोई भी एसिड में रिप्लेसेबल जो H प्लस होगा, मतलब जितने H प्लस उससे बाहर आ सके, उसकी संख्या को ही कहा जाता है एन फैक्टर, यानी उसकी संख्या ही एन फैक्टर के बराबर होगा। जैसे जैसे बताओ, आप अगर बात करो HCl, तो HCl में आपको एक H प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसमें रिप्लेसेबल H प्लस की संख्या कितनी है? 1। तो इसलिए इसका N फैक्टर हो जाएगा 1। तो यहां पे अगर एसिड लिख दें और यहां पे N फैक्टर लिख दें, तो बताओ इसमें एक ही H प्लस है, ये तो इसका N फैक्टर 1 कर लेंगे। बताओ आप HNO3 में के गो है, 1 ही है, तो N फैक्टर 1 हो जाएगा। फिर आपसे कहेगा कि बताइए H2SO4 में कितने हैं, तो इसमें 2H+ बाहर आता है, तो इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा H3PO4, फिर आपसे पूछेगा H3PO2PO3, और फिर आपसे पूछेगा H3PO2, तो ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, ये मत देख लेना कि तीन है तो ये तीन रह जाएगा। हाँ, इसमें जो होता है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करें तो देखो, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच, ये है H3PO4 का, इसका यहां पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो वही H प्लस बाहर आ सकता है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो बताओ सॉरी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H प्लस के रूप में बाहर आ जाएगा। मैंने कहा कि वही H प्लस बाहर आता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, अगर फास्फोरस से जुड़ा रहेगा वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहां से भी H प्लस मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, यहां से भी, यानी 1 2 3, कितने H प्लस मिलेंगे? 3, इसलिए इसका N फैक्टर 3 देंगे। लेकिन जैसे ही बात करेगा H3PO3 का, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए, P डबल बॉन्ड O OH OH फिर H, तो आप जरा सोचो तो भाई साहब कि क्या ये तो H प्लस मिल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से है, ये भी H प्लस मिल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से है, क्या ये वाला H प्लस बाहर आएगा? नहीं, क्योंकि वो फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हमें इसमें H प्लस मिलने वाला कितना है? 2 है, तो H प्लस 2 है तो इनफेक्टर 2, और उसी प्रकार से इसमें एक ही H प्लस मिलता है इसलिए इनफेक्टर 1। तो देखो, H3 भले लिखा है, H3 भले लिखा हुआ है, लेकिन 2 है, H3 है लेकिन 1 है, तो H3PO4 में 3, H3PO3 में 2 और H3PO2 में 1, भुला जाओ। तो देखो, 4 आएगा PO4 तो 3, 4 रहेगा तो 3, 3 रहेगा तो 2, और 2 रहेगा तो 1। तो बोलो H3PO4 में 3, H3PO2 में 2 आ गया तो 1, H3PO3 में 3 आ गया तो 2। तो N फैक्टर इस तरीके से एसिड का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा अगर आपसे पूछेगा इसी में कि बेस का N फैक्टर कैसे निकालते हैं, दूसरा नंबर है बेस, बेस यानी क्षारक का, क्षारक के लिए। तो बेस के लिए अगर आप एन फैक्टर की बात कर रहे हो, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू बेस में उपस्थित विस्थापन योग्य
विस्थापन योग्य OH माइनस की संख्या। अब बेस में जितना OH माइनस रहेगा वही उसका हो जाएगा N फैक्टर। तो जैसे एग्जांपल देख लो आप कि मान लो यहां पर किसी ने बेस लिया और यहां पर N फैक्टर, तब बेस NaOH है तो बताओ इसमें कै गो OH दिख रहा है, 1 है तो N फैक्टर 1 हो जाएगा। बोलो KOH का N फैक्टर कितना, 1, क्योंकि इसमें भी OH है। अब आप बताओ कि आपसे कोई कह दिया कि CaOH के होल 2 का N फैक्टर कितना, तो 2 हो जाएगा। आपसे कोई कह दिया कि MgOH के होल 2 का N फैक्टर, तो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 दिख रहा है। बताओ AlOH के होल 3 का N फैक्टर कितना, तो 3 हो जाएगा क्योंकि 3 दिख रहा है। तो जितना OH की संख्या रहेगा वही N फैक्टर हो जाएगा बेस के लिए। और अगर हम तीसरा नंबर पर चलें कि आपसे सवाल पूछेगा थर्ड कि लवण के लिए N फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो लवण के लिए एसिड के लिए हो गया, बेस के लिए हो गया, लवण के लिए, तो लवण के लिए N फैक्टर इज इक्वल टू धनायन या ऋणायन, दोनों में से कोई एक, धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश देख लेना है। तो अगर कोई लवण होगा, एसिड नहीं होगा, लवण होगा, तो उसमें जो धनायन और ऋणायन होगा, तो चाहे तो आप धनायन देख लेना या ऋणायन देख लेना, और उस पर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा टोटल वही उसका N फैक्टर हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि बता NaCl, तो NaCl को आप तोड़ोगे किस में, Na प्लस और Cl माइनस में। तो अगर हम धनायन को देखेंगे तो बता इस धनायन पर कितना चार्ज है, 1 है, तो N फैक्टर हो जाएगा 1। किसी को इच्छा हुआ कि नहीं सर हम ऋणायन देखेंगे, तब तो देखो ऋणायन पर भी एक चार्ज है। अब चार्ज प्लस हो माइनस हो उससे मतलब प्लस माइनस लिखना नहीं है, बस चार्ज अगर 1 है तो 1 लिख देंगे, चार्ज यहां पर 1 है तो 1 लिख देंगे, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। ठीक उसी प्रकार से बताओ आप कि अगर कहता कि CaCl2, तो CaCl2 में बताइए एगो कैल्शियम है और दो गो क्लोरीन है, नहीं है दो गो क्लोरीन, कैल्शियम पर 2 प्लस, क्लोरीन पर माइनस, तो बताओ कैल्शियम पर चार्ज कितना है 2 प्लस, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो N फैक्टर कैसे निकालेंगे पता चल गया है ना। अब जैसे N फैक्टर किसी का कहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो इस प्रकार से। तो एसिड के लिए H प्लस देखना है, बेस के लिए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप पीडीएफ में उसको बना लेना, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन यहां पर करवाता हूं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि 0.3N या 0.3M H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिकम की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें या मोलरता क्या होगा, तो बताओ यहां से आपको एक क्वेश्चन दिया कि 0.3M H3PO4 की मोलरता ज्ञात करें, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको ये जो दिया है वो किसका मान दिया, M का, साफ साफ लिख रहा है 0.3 दिया है, ठीक है ना। और अगर हम डिस्कस करें 0.3 दिया, साथ में देखो क्या दिया H3PO4, तो बता H3PO4 के लिए N फैक्टर कितना, तो बोले थे 4 रहेगा तो 3 करना, और निकालना क्या है मोलरता, यानी सॉरी ये यहां तो नॉर्मलता हो जाएगा ना, मोलरता दिया और मोलरता थोड़े कहेगा, यहां पे निकालने के लिए क्या रहेगा, नॉर्मलता रहेगा। तो हमें कह रहा है कि क्या निकालिए, N निकालिए, N इज इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला बताओ N इज इक्वल टू क्या होता है, M गुना N फैक्टर होता है। तो N इज इक्वल टू, M का मान कितना है 0.3 है और N फैक्टर का मान भी 3 है, तो बोलो 0. क्या हो जाएगा 9, तो नॉर्मलता आ गया 0.9। ठीक उसी प्रकार से आपसे फिर एक सवाल कर दिया कि मान लो क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि 4N H2SO4 की मोलरता ज्ञात करें, इस बार है मोलरता ज्ञात करने के लिए, मोलरता ज्ञात करें ऐसे दे दिया, तो क्या करेंगे, तो देखेंगे क्या दिया है, तो बताओ हल करेंगे जब इसका, तो हमें N का मान दे दिया है, कितना दिया 4, और H2SO4 के लिए N फैक्टर कितना बताया थे 2 है, तो 2 हो जाएगा, और निकालना क्या है M इज इक्वल टू व्हाट,
फॉर्मूला बताइए, एन बराबर एम गुना क्या होता है एन फैक्टर। इस बार एन का मान कितना दिया है चार, एम का मान निकालना है छोड़ दो, और एन फैक्टर कितना दो, तो एम निकालोगे तो चार बटा दो हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू फोर बाई टू, यानी कितना आंसर आ जाएगा टू आ जाएगा। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे? अगर बना लोगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन पीडीएफ में दिया हुआ रहेगा, नोट्स में आप उसको बनाने की कोशिश जरूर कर